अपने पिता सुबोध कांत सहाय का हाथ थाम चुनावी राजनीति में आई यशस्विनी सहाय चुनाव परिणाम के बाद भी चर्चा में हैं। वजह यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार सुबोध कांत सहाय से भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट जो है लेकर के आई हैं, हालांकि चुनाव हार गईं। यशस्विनी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अपने पिता से भी ज़्यादा वोट लेकर के आप। जी जी जी, और खुशी हुई कि इतने सारे लोगों ने इतना भरोसा दिखाया और इतनी बड़ी जिम्मेवारी पर जितना भरोसा दिखाया इतने कम समय में, बहुत खुशी है इस बात की और बहुत धन्यवाद है कि रांची की जनता ने इतना प्यार दिया। संजय सेठ चुनाव जीत गए, आप काफ़ी मेहनत की खास करके ग्रामीण इलाकों में, आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आप अगर संजय सेठ यह इंटरव्यू देख पा रहे हों तो उनको बताना चाहें कि भाई अब इस इलाके में ये चीज़ करना चाहिए? हमें लगता है कि जहाँ भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर क्या हो जाए, क्या क्या काम किया जा सकता है। साथ ही में रांची का अगर हम बात करें, झारखंड में भी आप देखिए कि जितना ये इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था उतना अब उसका इंडस्ट्री का भी वो नहीं रहा है, और HEC क्या ही आप देख लीजिए, HEC बंद होने के कगार पे है। तो मुझे लगता है कि HEC को बचाने की बहुत ज़रूरत है, और साथ ही में रांची को एक री इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। उसका जो आइडेंटिटी है, इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी, उसे हम कैसे आगे बढ़ाएँ, उससे लोगों तक रोज़गार भी पहुँचेगा। साथ ही में ये राजधानी है, तो इस राजधानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम हो, सेफ्टी पे क्या काम हो, सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इन सब को पे काम हो, हम यही चाहेंगे। इस तरीके से पूरे चुनाव भर में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि मोदी वेव चल रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, अमित शाह का रोड शो हुआ, कई दूसरे मंत्री जो है यहाँ पे लगातार कैंपेन कर रहे थे, इसके बावजूद इतना ज़्यादा वोट आपको मिला, क्या आप ये उम्मीद कर रही थी तब जबकि चुनाव से महज 1 महीना 20-25 दिन पहले आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ? जी बिल्कुल, जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ था उसके तुरंत ही बाद जब से हम घूम ही रहे थे, हमें दिख रहा था कि लोगों के अंदर बदलाव की भावना है, लोग बहुत त्रस्त हैं। हम जितने भी आप अगर ज़मीनी स्तर पर जाके देखते तो लोग काफ़ी त्रस्त थे, और वही रिज़ल्ट आया है। अगर लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है इंडिया गठबंधन पर और मुझ पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी, मुझे लगता है कि लोगों को बदलाव चाहिए था और वो बिल्कुल दिखा है इस बार। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है इस बार। भरोसे को जोड़े रखना अब जो है बड़ी चुनौती है आपके सामने। कहा यह गया जब आप चुनाव लड़ने आई कि मुंबई से आई हैं और ये तो चुनाव के बाद फिर चली जाएंगी, यशस्विनी सहाय क्या जवाब देंगी उनको, और ख़ास करके उन लोगों को जिन्होंने आप पे भरोसा जताया और तकरीबन 5,44,000 लोगों ने आपको वोट किया है, तो क्या आप उनको एश्योर करेंगी कि चुनाव बाद भी चाहे भले ही हार मिल गई हो आप यहाँ पे रहेंगी और उनके लिए ही काम करेंगे? बिल्कुल, हम तो उनके लिए काम, वैसे भी हम जैसे कि लोग जो कह रहे हैं, हम पहले से झारखंड में काम कर रहे थे, हम काफ़ी एरियाज़ में भी घूमे और हम संगठन के साथ भी पहले काम कर रहे थे 1.5 साल से, तो वो तो हमारा चलता ही रहेगा। हम एज अ एडवोकेट काम करते हैं तो वो तो करते ही रहेंगे। अब दूसरा जो एक चीज़ हमारे साथ अब जुड़ गया है चुनाव के बाद है, वो है जो लोगों की जो आशाएँ हमसे हुई है उसको भी हम लेकर रहेंगे, तो हम लोगों के बीच ही रहने वाले हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यशस्विनी सहाय थी, थोड़ी देर पहले ये कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया उनको धन्यवाद भी दी, और बाकायदा संजय सेठ को भी बधाई देते हुए यह जरूर कहीं और लगातार बोल रही हैं कि खास करके रांची संसदीय सीट पे जिस तरीके की कमियां ग्रामीण इलाकों में और ख़ास करके HEC जैसे जो मुद्दे हैं उस पर जो है काम करने की जरूरत है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Follow up.in. Like.
share, and subscribe. www.thefollowup.in